हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ अपने नए स्टूडेंट्स को लेकर, जो मैंने आपको कल बताया था कि जो नर्सरी में इस साल जाना है जिसको, तो कल मैंने उसको पढ़ाया था, 2 लिखवाए थे मैंने कल आपके सामने, 1 और 2 भी करवाया था और मैं उसको 2 करा चुकी हूँ। तो ये आज देखिए मैं उसको 3 दे रही हूँ। मैंने 3 लिख दिया है, 3 आइसक्रीम बना दी है और उसने 3 आइसक्रीम में कलर भी कर दिया है ताकि उसको कलर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके साथ ही ये देखिए उसको आज मैं 3 लिखवाऊंगी। तो आप भी ऐसे ही स्टार्टिंग से कर सकते हैं। चलो बेटा लिखो। पेंसिल कहाँ गई आपकी? ये लो, आ जाओ बेटा। यस, 3 लिखेंगे अब हम, ठीक है? नीट एंड क्लीन। नीचे वाले में लिखेंगे बेटा, नीचे वाले में। यहाँ से शुरू करेंगे आदू। यस, अच्छी चल रही है, आप चलाओ और आप सीधे बैठो। देखो आदो, सामने से पेंसिल चलाओ। मैंने गलत कर दिया। हाँ, गलत कर दिया आपने। बता दो आप उसको, मैंने कहाँ लगाई है वो देखो आप पहले। आदो सीधे बैठो पहले तो, आप सीधे बैठो सीट प्रॉपरली। हाँ, वेरी गुड, घुमाओ। यस यस, मैंने गलत। हाँ, वहीं से घुमाओ बेटा, वहीं से घुमाओ आप। हाँ, अच्छे से घुमाओ। हाँ बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? आपको रुकना नहीं है बीच में। ये मेरा नहीं है, ये मेरा। कोई बात नहीं, आपको रुकना नहीं है बीच में। बनाओ बनाओ, मैम ने जो पेन चलाया है ना उसी पे चलेगी पेंसिल आपकी। यस, ठीक है। सीधा हाथ रखो आपका, सीधा हाथ रखो, दिख नहीं रहा इधर से, सीधा रखो बेटा। मुझे 5 लगाना। नहीं, आप लिखो जल्दी से, करो पेंसिल चलाओ, इसके ऊपर यू गोला बनाओ आप। देखो मैं आपको एक बार बनवा के दिखाती हूँ। ये आप इसको पेंसिल को पकड़ो, रुको, यहाँ से आपको ऐसे लेके जाना है, फिर आपको इसको नीचे घुमाना है। ये नहीं अच्छा है। 3 बनाना है हमको। क्या बनाना है आदू? क्या बना रहे हो आप? 3 बनाओ, बनाओ बेटा। छोटे बच्चों को वर्क कराना फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चे है ना, मतलब बहुत मुश्किल से हाथ चलाते हैं। आप देख रहे होंगे उसको कि उसको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, पर जब तक हम उसको वर्क नहीं करवाएंगे ना, भी वो गंदा कर रही कोई बात नहीं, लेकिन पेंसिल चलाना एटलीस्ट उस पर सीख तो रही है। अगर वो बिल्कुल भी नहीं करेगी ना तो वो सीख ही नहीं पाएगी इस तरीके से। अगर हम बार बार इरेज करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि बच्चा थोड़ा वर्क गंदा कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट उसको 10-15 दिन का समय दीजिए ताकि वो पेंसिल चलाना सीख जाए और उसको आइडेंटिफाई हो जाए। जब तक बच्चा आइडेंटिफाई भी नहीं करेगा ना तो वो नहीं सीख पाएगा उसको, ठीक है? तो आप उसको पूरा प्रॉपर नहीं सिखा सकते एकदम से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, पूरा इसको यहाँ से ज्वाइंट करा करो, ठीक है? चलो बनाओ बनाओ, यहाँ आदो, ये रहेगा इधर के, ये रहेगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करो। धीरे धीरे पेंसिल चलाओ, धीरे धीरे, फिर नीचे घुमा दो। छोड़ो मत करो उसको। यस, देखो इधर आदो, ये छोड़ा मत करो। ये आपने छोड़ दिया ना तो इसको यहाँ से छोड़ना नहीं है बेटा, इसको यहाँ से पूरा प्रॉपर मिलाया करो। चलो चलो बनाओ जल्दी जल्दी, बनाओ 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 जल्दी। इधर देखो, पहले आप इधर देखिए, बनाओ, क्योंकि फ्रेंड्स छोटे बच्चों को ना आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको इसलिए बताती हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें दिखा रही हूँ कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पर हाँ, एक बार बच्चा सीख जाएगा ना, इसको अगर 1 मंथ हो जाएगा और ये प्रॉपर बनाना सीख, तब मैं इसको अच्छे से बनाना सिखाऊंगी। अभी तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको एटलीस्ट पेंसिल घुमाना अच्छे से आ जाए और ये सीख जाए कि ये चीज क्या होती है, 3 क्या है, 2 क्या है। अगर इसको ये पता नहीं लगेगा तो ये कभी भी नहीं सीख पाएगी। और स्टार्टिंग में तो सब ऐसे ही करते हैं, हम भी एक बार अगर कुछ खाना भी बना रहे हैं या कुछ नई डिश बना रहे हैं तो एक बार या 2 बार वो हमसे भी बिगड़ती है, तो ये तो छोटे बच्चे हैं, इसलिए डोंट माइंड। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे उसमें फिनिशिंग आने की आ रही है, जैसे है ना, कोशिश भी कर रही है। जब नहीं अच्छा बन रहा है तो बार बार इरेज करने की कोशिश भी करती है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ इधर बनाओ बेटा, ये ले गया, ये लेगा बेटा, बनाओ। हाँ बनाओ, वेरी गुड, यस। आगे बनाओ उसी के आगे। हाँ बनाओ बनाओ, यस। उसको ज्वाइंट किया करो बेटा, हाँ जोड़ दिया करो उसको, हाँ मिलाया करो। ये देखे बेटा, ये वाला देखे ना, बनाओ। तो जब तक उसको सही नहीं लग रहा उसके हिसाब से, वो उसको इरेज कर रही है, वो नहीं मान रही, क्योंकि वो खुद ही चाह रही है कि मैं अच्छा बनाऊं। और अगर उसको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं बना है तो वो उसको इरेज कर रही है, वो उसको नहीं समझ में आ रहा तो वो इरेज कर रही है। बेटा मास्क लगाओ अच्छे से, देखिए आपको दिख रहा होगा कि मास्क लगाकर बैठी है छोटी सी बच्ची, तो क्योंकि सबको डर बैठा हुआ है। और ये अच्छी बात है कि बच्चे ने भी, हाँ बनाओ बेटा बनाओ। यस वैसे पतंग के बाद फर्स्ट से फल लगता है, क्योंकि मुझे और दूसरे बच्चे को भी, देखिए मैं हिंदी करा रही हूँ तो उसका साथ साथ उसे भी बताती जा रही हूँ। क्योंकि आप कहते थे ना, जैसे मुझसे कोई पूछ रहा था कि बच्चा बैठा रहेगा तो नहीं, कैसे बैठा रहेगा, मैंने उसको वर्क भी दे रखा है। और जो दूसरे बच्चे जो पहले आते थे उनको मैंने पहले वर्क करा दिया है, ताकि जिन बच्चों पर मुझे अब ध्यान देना है उनको मैंने बाद में वर्क कराया। और जिन बच्चों को मैं सिखा चुकी हूँ उन बच्चों को मैंने वर्क पहले ही करवा दिया है कि मुझे क्या करवाना है। मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि मैं उन बच्चों को आज ये कराऊंगी, और आते ही उनकी कॉपी मेंटेन करके मैंने रख दी है और उन बच्चों ने वर्क कर लिया है। तो एक घंटा मैंने उन बच्चों को दिया, अब एक घंटा मैं इन दोनों बच्चों को दे रही हूँ ताकि ये बच्चे अच्छे से अपना वर्क कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, हाँ बेटा, फर्स्ट से पतंग, फर्स्ट से फल, फर्स्ट से फल के बाद क्या आएगा, बस से बकरी। हाँ बस से बकरी आता है फर्स्ट से फल के बाद, बस ए भालू। आप खुद देख रहे होंगे कि जो नर्सरी का स्टूडेंट अभी स्कूल नहीं गया है वो कितना, मतलब आपको लग रहा होगा कि बच्चे ने प्रोग्रेस करी है, ने आता हुआ एक हफ्ता हो गया है, वन वीक हो गया है। बस मुझे तो यही चाहिए कि बच्चे को अच्छे से हाथ घुमाना आ जाए, बच्चा पेंसिल चलाना पकड़ना सीख ले, उसके बाद आप उस बच्चे से कुछ भी करवा सकते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप राइटिंग तो बाद में भी सुधरवा लेना, एक बार उन बच्चे को लिखना सिखा दीजिए एटलीस्ट। वेरी गुड, उसके बाद मसे मछली। हाँ बनाओ बेटा बनाओ, मसे मछली तो दो, मसे मछली। वैसे पतंग बना दिया, मसे मछली बनानी है, ऐसा बना के मिलाना। यस साधु बेटा जल्दी करो, डू फास्ट। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मेरी वीडियो 9 मिनट की बनी है और 9 मिनट में ही इस बच्ची ने ये पूरा पेज भरकर वर्क कर दिया है। बताइए अब कितनी देर लगी मुझे, पहले दिन दो दिन इसको दिक्कत आई थी लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ ये है कि अभी मैं इसको डॉट पे ही कराऊंगी, कम से कम 1 मंथ पूरा डॉट पे ही चलेगा। जब मुझे लगेगा कि इसको अच्छे से घुमाना आ गया है उसी के बाद मैं इसको प्रॉपर पूरी पेंसिल से बिना डॉट के एक या दो डॉट पे इसको वर्क करना सिखाऊंगी। यस हो गया सारा। हाँ बेटा जल्दी करो। हाँ इसलिए आपको जो भी ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, छोटे बच्चों को चाहते हैं पढ़ाना, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा तभी आप ये वर्क बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। तो बनाओ बेटा बनाओ, जल्दी बनाओ। यसे यज्ञ, यसे यज्ञ, यसे
सही बनाया बेटा, सही है, अदो सही है, मत इरेज करो, अच्छा बनाया, इसके यहीं से घुमा दो दोबारा, वेरी गुड, अच्छा तो बनाया है। हाँ ये रह गया एक, क्योंकि मैंने इसको ना हिंदी में भी ऐसे अनार सिखा दिया है, तो जब इसको थ्री बनाना आ गया है तो ऐसे अनार बनाने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और आपको और भी नई जानकारी मिलती रहे। वेरी गुड, देखिए बच्चे ने कॉपी घुमा दी और मुझे पूरा दिखा दिया। अब आपको देखिए कि छोटे से बच्चे ने कितना अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क किया है, आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके देन, थैंक यू।